दोस्तों, पेन चाहे 5 रुपए वाला हो या 2 लाख का, पेन हम सभी की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली डेली आइटम है। आज डिजिटाइजेशन के दौर में भी पेन ने अपनी इन्फ्लुएंस खोई नहीं है, लेकिन हम एक पेन को देखने से ही लगता है कि इसे बनाना तो बहुत आसान होगा। पर क्या ऐसा है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पेन की निब बनाने के लिए ही उसे 20 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और यहाँ सिर्फ आम बॉल पेन की बात नहीं हो रही है। फिर कुछ ऐसे पेन भी हैं जो स्पेस में बिना ग्रेविटी के भी लिख सकते हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो और भी ज्यादा पेचीदा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर एक पेन फैक्ट्री में क्या क्या होता है और किस तरह से बॉल पेन्स और स्पेस पेन्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो आज बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब चलते हैं सीधा एक पेन फैक्ट्री की ओर, जहां पेन बनाने की शुरुआत इन छोटे छोटे पैलेट्स से हो रही है। ये पैलेट्स पॉलीप्रोपाइलीन कोपॉलीमर या कहें पीपीसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं। साथ ही ये स्टेन प्रूफ भी है और इनका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन रेट भी काफी कम है। इन पैलेट्स को एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है, जहां इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया जाता है। यहां से निकलने के बाद एक वैक्यूम ट्यूब इस मिक्स को सीधा इंजेक्शन फेस की तरफ ले जाती है। इंजेक्शन फेस में इस मिक्स को हॉपर नाम की एक मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन पहले इन्हें पिघलाती है और उसके बाद इन्हें सांचों में डाल देती है, जहां से बाहर आने के बाद ये आपको पेन की बॉडी की तरह दिखने लगेंगे। सिर्फ पेन की बॉडी ही नहीं, उसके रिफिल्स और उसकी कैप्स को भी इसी मेथड से बनाया जाता है। और जितना भी पीपीसी इसमें से वेस्ट मटेरियल की तरह निकलता है, उसे दोबारा रिसाइकल करने के बाद पेन बनाने के ही कामों में लगा दिया जाता है। इसके साथ साथ निब्स बनाने की प्रोसेस भी चल रही है, जिस पर हम अगले सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इन निब्स के बनाने के बाद अब बारी आती है निब्स को इन रिफिल में लगाने की। इन निब्स को रिफिल्स के साथ एक मशीन अटैच कर देती है, और उसके बाद इसी टिप की मदद से रिफिल में इंक भी भरी जाती है। इंक भरने के बाद अब सबसे पहले रिफिल को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टिंग मशीन को मल्टी पैरामीटर टेस्टिंग मशीन कहा जाता है, जिसमें कुछ रिफिल्स को एक लंबी पेपर की शीट पर टेस्ट करते वक्त कई पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, जैसे कि क्या इंक सही से बाहर आ रही है, अलग अलग राइटिंग स्पीड में कितनी प्रतिशत इंक बाहर आती है, और एक रिफिल कितना लिख सकता है। ये टेस्टिंग होने के बाद पेन के सभी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां एक टेक्नीशियन सबसे पहले एक बैरल में रिफिल्स को भरता है। उसके बाद उसमें स्प्रिंग अटैच की जाती है, और आखिर में पेन को अच्छे से बंद करने के बाद एक बार उनका फिर से इंस्पेक्शन होता है, और आखिर में उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो थी उन पेन्स की बात जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन पेन्स का क्या जिन्हें स्पेस के लिए बनाया जाता है? इन पेन्स की कमाल की क्वालिटी होती है, न सिर्फ ये जीरो ग्रेविटी में लिख सकते हैं, पर साथ ही बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी होने पर भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, और सभी स्पेस पेन्स पानी में भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे इन पेन्स को फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। सबसे पहले इनके राइटिंग पॉइंट को स्टेनलेस स्टील के आधे सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा बड़े ब्लॉक से बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पर पहले तो इस सेक्शन को एक टिप की तरह शेप दी जाती है, और इसके बाद इसमें एक छेद किया जाता है, ताकि इसके अंदर एक रोटेटिंग बॉल अटैच की जा सके। ये बॉल इस हिस्से को हमेशा बंद रखती है। जब भी इस बॉल पर लिखते हुए आप प्रेशर लगाते हैं, तो इस बॉल के रोटेट होने से ही इंक बाहर आती है। अब आते हैं स्पेस पेन्स के रिफिल्स पर, जिन्हें प्लास्टिक से नहीं बल्कि पीतल से बनाया जाता है। इन खाली पीतल की ट्यूब्स में सबसे पहले एक व्हाइट प्लास्टिक बॉल डाली जाती है, जिसे फ्लोट कहते हैं, और इसके बाद एक मशीन इन रिफिल्स में 0.5 ग्राम इंक भर देती है। अभी जो हमने इसमें फ्लोट डाली थी, उसका काम लगातार इस इंक को नीचे पुश करना ही है। इंक भरने के बाद दूसरी साइड से रिफिल को सील करने के लिए एक सीलेंट डाला जा रहा है, और सीलेंट के बाद आती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, जिस वजह से ये पेन को कोई नुकसान नहीं करती, और ये नाइट्रोजन गैस ही है जिसके प्रेशर के कारण ये पेन्स बिना ग्रेविटी के भी लिख पाते हैं। इसका एक उदाहरण आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन ऐड करने के बाद इन रिफिल्स पर एक पीतल की ही खोखली कैप लगा दी जाती है,
ताकि गैस बाहर न आए। इसके बाद इन रिफिल्स का भी राइटिंग टेस्ट होता है और सब सही होने पर इन रिफिल्स पर कंपनी की मोहर लगा दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कैप्स की तरफ। इन पेंस की कैप बनाने के लिए पीतल की ट्यूब्स को एक फीडर मशीन में डाल दिया जाता है। इन्हें इस तरह से पोजीशन किया जाता है कि इसमें क्लिप अटैच की जा सके। क्लिप्स वो डंडियां होती हैं जो पेन की कैप पर लगी होती हैं और जल्दी ही टूट जाती हैं। लेकिन ये स्पेस पेन है जिसकी कीमत लाखों में है, इसलिए इसकी क्लिप्स को भी हाई क्वालिटी क्रोम प्लेटेड मटेरियल से बनाया जाता है, जिससे इस पर जंग भी ना लगे और ये सुंदर भी दिखे। फीडर मशीन इन क्लिप्स के दांतों को कैप के साथ जोड़ देती है और फिर इन दांतों को मोड़ दिया जाता है ताकि क्लिप अच्छी तरह से कैप के साथ अटैच हो जाए और निकले ना। अब आते हैं पेंस की मेन बॉडी पर, जिन्हें बनाने के लिए भी पीतल की बड़ी बड़ी ट्यूब्स जिन्हें बैरल्स कहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन बैरल्स को बैरल असेंबली मशीन में भेजा जाता है और ताकि लिखते हुए पेन सीधा रहे, इसलिए इन बैरल्स पर एक नोज टिप इंसर्ट कर दी जाती है और फिर एक मशीन से इसे अच्छे से कस देते हैं ताकि ये नोज टिप पेंस से अलग ना हो। सिर्फ यही एक पेन का मॉडल नहीं है, पेन की बॉडी बनाने के लिए कुछ कंपनीज बिना कैप वाली क्रोम प्लेटेड बॉडीज का भी इस्तेमाल करती हैं। अब आते हैं इसकी असेंबली पर। सबसे पहले कुछ फॉर्म होल्डर्स पर इन बैरल्स को रख दिया जाता है और इसके बाद सबसे पहले इसमें स्प्रिंग डाली जाती है ताकि रिफिल अपनी पोजीशन से ना हिले। इसके बाद एक थ्रेडेड कनेक्टर को इसके साथ जोड़ दिया जाता है और एक मशीन में इसे भेजा जाता है जो इसके बीच में एक ओ शेप की सिलिकन रबर रिंग लगा देती है। इसके बाद पेन में रिफिल को डाला जाता है और फिर कनेक्टर को आखिर में जोड़ दिया जाता है एक मोटर द्वारा। फिर इन दोनों पार्ट्स को कसने के बाद ये पेन अब पैकेजिंग में जाने के लिए तैयार है। इन स्पेस पेन्स को दुनिया में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जहां दुनिया का पहला पेन 1827 में बना लिया गया था, वहीं स्पेस पेन्स को 1966 में इन्वेंट किया गया है और सबसे पहले इसे नासा के अपोलो 7 मिशन में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस पेन का डिजाइन हमारे दिखाए गए पेन से काफी अलग था क्योंकि उसमें कैप नहीं थी। इस पेन को पुराने क्लिक बटन स्टाइल में बनाया गया था और इसमें दो बटन थे, पहला जिससे रिफिल बाहर आती थी और दूसरा उसकी साइड की तरफ था जिससे रिफिल वापस बॉडी में छिप जाती थी। क्या आपने कभी सोचा था कि पेन बनाना इतनी मेहनत का काम होगा? नहीं ना, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट पेन कौन सा है। और अगर आप पेंसिल फैन हैं तो हमारे चैनल पर पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।